हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताका मता आगाध। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताका मता आगाध। आदमी का जीवन लगातार सीमाओं में बीतता है, वर्जनाओं में बीतता है, नियम कानून से बंधे बंधे बीतता है। कम ही लोग होते हैं जो ये हिम्मत जुटा पाएं कि इन वर्जनाओं को तोड़ देंगे। कम ही लोग होते हैं जिनमें साहस हो कि नियमों से बंधे हुए नहीं रहेंगे। कोई ही होता है जो कहता है कि तुम्हारी रूढ़ियाँ, तुम्हारे ढर्रे, तुम्हारे कायदे मेरे लिए नहीं हैं। आम आदमी का जीवन तो वही है जो कबीर कह रहे हैं, हद चले सो मानवा। हदों में बंधा हुआ, घेरों में कैद, एक कारागृह है आम आदमी का जीवन। चारों तरफ मात्र मानसिक घेरे ही घेरे हैं। ईंट पत्थर की दीवार होती है, उसे तोड़ना आसान होता है, मानसिक घेरों के पार जाना बड़ा मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। और हम सब अपनी अपनी मानसिक जेलों में कैद हैं। पशुओं के साथ प्रयोग हुए हैं जहां पर बारूद की एक रेखा खींच दी गई, जानवर जो ही उसे पार करने लगा उस रेखा में आग लगा दी गई, जानवर तिलमिला के पीछे हटा उस रेखा से, थोड़ी देर बाद फिर जानवर उस रेखा को पार करने लगा, फिर उसमें आग लगा दी गई, जानवर फिर पीछे हटा, कुछ समय बाद स्थिति ये आ जाती है कि आप वहां बारूद रखो न रखो, जानवर कभी उस रेखा को पार करता ही नहीं है। अब वो एक मानसिक रेखा है और उसमें बड़ी ताकत है, वो कभी पार नहीं की जाएगी, कभी पार की ही नहीं जाएगी। ऐसे ही कैद हैं हम सब। मन से बड़ा कारागृह हो नहीं सकता। हद चले सो मानवा। फिर कोई होता है हजारों में एक जो उकता करके इन हदों से विद्रोह कर देता है, तोड़ ही डालता है हदों को। धज्जियां उड़ा देता है सारे नियम कानूनों की। वो कहता है मैं तुम्हारे ढर्रों का मोहताज नहीं। वो साधु है, उसका अपना एक कायदा है, उसके अपने तरीके हैं जो समाज के तरीकों के बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज देखने में आती है, समाज साधु का दुश्मन नहीं होता, हालांकि साधु ने समाज के ढर्रे तोड़े हैं। समाज साधु को अपने आप में शामिल कर लेता है। इस बेहद चलने वाले को, हद
तोड़ चलने वाले को, हद के भीतर चलने वाले सम्मान देना शुरू कर देते हैं। ये उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। आपको आश्चर्य होगा ये कैसे हो गया, इसने नियम तोड़े हैं उसके बाद भी इसे सम्मान मिल रहा है। कारण है, नियमों को तोड़ना, हदों को तोड़ना और हदों के पार निकल जाना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। हद को तोड़ना सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। तुमने इतना बांध के रखा मुझे कि मैंने सारी रस्सियां तोड़ दी। तुम जिन ढर्रों पे चल रहे थे मैं अब उन पर नहीं चलता, मैं उनसे विपरीत चलने लग गया हूं, पर चल मैं अभी भी ढर्रों पर ही रहा हूं। ठीक, समाज ढर्रों को पूजता है, वो तुम्हें पूजेगा। समाज इसी कारण साधु को बड़ा सम्मान देता है क्योंकि उसके पास भी ढर्रे हैं। समाज जैसे नहीं है, समाज से उल्टे हैं, पर ढर्रे हैं उसके पास, इस कारण समाज उसकी पूजा करता है। द्वैत का सिरा है, एक वो जिस पर गृहस्थ बैठा हुआ है, दूसरा वो जिस पर साधु बैठा हुआ है। एक मन में चल रहा है, एक बन में चल रहा है, पर हैं दोनों अभी एक से ही। दोनों के पास तरीके कायम है, कायदे कायम है। आकाश में दोनों ही नहीं उड़ रहे, साधुओं के अपने बड़े नियम कायदे हैं। आश्रमों की अपनी मर्यादाएं होती हैं। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों तजे, ताका मता अगाध। फिर कोई एक और होता है जो नियमों को तोड़ता नहीं है, जैसा हमने कहा वो नियमों के पार निकल जाता है। आपका समाज उसे कोई सम्मान नहीं देगा, साधु को देगा सम्मान, उसको कोई सम्मान नहीं देगा। आपका समाज उसे पहचान ही नहीं पाएगा क्योंकि ढर्रे पर चलने वाली आंख मात्र ढर्रों को पहचान सकती है, क्योंकि सीमित मात्र सीमित को ही देख सकता है, क्योंकि द्वैत मात्र द्वैत को ही देख सकता है, क्योंकि आप जैसे हो उससे भिन्न कुछ भी आपको समझ में आएगा ही नहीं। इस तीसरे को न समाज समझ पाएगा ना साधु समझ पाएगा। और सच तो यह है कि गृहस्थ और साधु दोनों इस तीसरे के दुश्मन हो जाएंगे यदि वो उनकी पकड़ में आ गया। इसका सौभाग्य ही यही है कि ये पकड़ में आता नहीं आसानी से, ये दिखाई ही नहीं पड़ता, जनाई ही नहीं पड़ता, तो बचा रहता है। हद बेहद दोनों तजे, ताका मता अगाध। ना हदों में चलते हैं ना बेहद हो जाने को आतुर हैं। हमें तोड़ने भी नहीं है तुम्हारे नियम, इतने क्षुद्र हैं ये, इतने महत्वहीन हैं ये कि हम इन्हें तोड़ के इनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहते। तुम्हें गाली दे करके हम तुम्हारी हैसियत नहीं बढ़ाना चाहते। हमने यदि तुम्हारे नियम तोड़े भी तो उससे ऐसा लगेगा जैसे नियमों में कोई दम था। कहां कोई दम था, तुम हमें दिखाई ही नहीं देते। न तोड़ रहे हैं नियमों को न चल रहे हैं नियमों पर, उड़ रहे हैं। और हमारे उड़ने में कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि हम नियमों पर चल रहे हैं, ना ना ना, हद बेहद दोनों तजे,
ताका मता अगाध, उसकी था तुम नहीं पाओगे, वो उतना ही गहरा है जितना अस्तित्व। अगाध, तुम्हारे किसी नक्शे पर उसको अंकित नहीं किया जा सकता। उसकी अपनी कोई पहचान है ही नहीं, उसके बारे में तुम कुछ कह भी नहीं सकते। गृहस्थ की बड़ी पहचाने हैं, संसारी की बड़ी पहचाने हैं, साधुओं की भी बड़ी पहचाने हैं, उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। आज ऐसा है, कल वैसा है, पकड़ोगे कैसे उसको?